Hi everyone. So let's start with question number 5 of exercise 14.3, and this is the last question of this exercise, right? अब इसको ध्यान से देखना. इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पहले फैक्टराइज करना है, फिर डिवाइड करना है, राइट? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम इज डायरेक्टेड, राइट? अब देखो, पहले वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा. अब देखो, फैक्टराइज करने के लिए आपके पास चार चार मेथड्स थे. सबसे पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट मेथड क्या था, हम कॉमन निकालते थे. तो पहले देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोई नहीं, तीनों में कॉमन आना चाहिए. सेकेंड मेथड, अरेंज करते थे दो दो के पेयर में, इसमें सिर्फ तीन है तो हम दो दो के पेयर में अरेंज नहीं कर सकते, राइट? फिर थर्ड मेथड था आपके पास आइडेंटिटी. आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते थे, पहले चेक करते थे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं. फर्स्ट तो है, लास्ट टर्म जो है क्या किसी का स्क्वायर है, 10 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं होगा. तो लास्ट बचता था वो क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिट. हम मिडिल टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे. इसका मतलब किसी कोई दो नंबर आपको फाइंड करना है जिसको ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 10 आना चाहिए, राइट? तो देखो, ऐसा कोई नंबर है तो क्या होता है, 2 × 5, 2 × 5 से 10 होगा. आप मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आना चाहिए, प्लस 10 आना चाहिए, आ रहा है प्लस 10, राइट? फिर 2 को अगर हम 5 के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्लस 7 आना चाहिए, तो आपके पास प्लस 7 आ रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 7 की प्लेस पे हम 2 और 5 को लिखेंगे. तो फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखना है, प्लस 2y प्लस 5y. 7 की जगह पे हमने 2y प्लस 5y लिख दिया. लास्ट टर्म को वैसे ही रखना है, राइट? अब देखो, अब इसको सॉल्व किया तो हम क्या करते थे, पेयरिंग करते थे, ग्रुप किया इन दोनों को. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन है तो y प्लस 2 बचेगा यहाँ से. इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तो y प्लस, अगर मैं 10 को किस तरह से लिखूँगी, 5 × 2 लिखूँगी, 5 × 2 = 10 लिख सकते हैं. उसमें से अगर मैं 5 को कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा. ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है दोनों सेम है तो ये आएगा वाई प्लस वाई प्लस 2. दूसरा क्या आएगा, वाई प्लस 5. अब ये जो टर्म है वो क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया है. फैक्टराइज हो गया आपके पास वाई प्लस 2 और वाई प्लस 5 हो गया है. अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है वाई प्लस 5 के साथ. अब डिवाइड मीन्स आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाओ, वाई प्लस 2 वाई प्लस 5 को डिवाइड करना है वाई प्लस 5 के साथ. वाई प्लस 5 वाई प्लस 5 कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आएगा वाई प्लस 2. दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन, राइट? ओके. इसी तरह से आप सेकंड देखो, उसी तरह से देखना है. फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, आप इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा. ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 32i प्लस माइनस करो तो 14i. ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं. लेट्स फाइंड आउट क्या हो सकता है. टू इंटू सिक्सटीन आपके पास 32 आ गया. 16 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 14 आएगा. यस, 16 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 14 आएगा, राइट? ये नंबर तो आ गया. अब साइन को देखते हैं. अब साइन को देखना है तो 14 के सामने माइनस आना चाहिए, तो इसका मतलब बड़े वाले नंबर के पास माइनस साइन होना चाहिए, छोटे वाले नंबर के पास प्लस साइन. तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस, 16 में से 2 माइनस करो तो 14. बड़े वाले नंबर के पास माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस 14. अब यहाँ पे भी माइनस 32 आना चाहिए. हमने क्या लिया, 16 के साथ माइनस लिया है तो प्लस माइनस माइनस 32 आ गया आपके पास. 16 के साथ माइनस लेना पड़ेगा आपको, राइट? तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा एम स्क्वेयर, राइट? एम स्क्वेयर 2 के साथ हमने क्या किया, प्लस साइन लिया,
प्लस टू एम, 16 के साथ हमने क्या लिया माइनस साइन, माइनस 16 m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2, राइट। पेयर करो आप इन दोनों को, आप इन दोनों को जब हमने पेयर किया तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, m कॉमन आ रहा है, राइट। तो m कॉमन आया तो आपके पास बचेगा m प्लस 2, राइट। दूसरा इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 16 को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने 16 को कॉमन लिया, आप यहाँ पे साइन अभी रखो, ठीक है, तो यहाँ पे m बचेगा 32 कैसे आएगा, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 आएगा, 16 कॉमन लिया तो आपके पास 2 बचेगा, 2। आप यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, 32 के आगे क्या है माइनस साइन। अगर यहाँ पे प्लस साइन लाना है तो हम क्या करते थे, माइनस को बाहर कॉमन लेते थे। अगर बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये क्या बनेगा आप देखो, 16m मीन्स 16 को तो हमने बाहर निकाल दिया, m के आगे क्या है वैसे माइनस साइन है, राइट। अगर हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया तो m के आगे क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। उसी तरह से माइनस को हमने बाहर कॉमन लिया तो 32 आगे आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये प्लस साइन बनना चाहिए, राइट, डिवाइडेड बाय m प्लस 2, राइट। तो ये बनेगा m माइनस 16, दूसरा बनेगा m प्लस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। आप डिवाइड करो m माइनस 16 को और m प्लस 2 को, डिवाइड करना है m प्लस 2 के साथ, तो ये और ये कैंसिल, तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन बचेगा, फाइनल सॉल्यूशन आएगा आपके पास m माइनस 16, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। उसी तरह से थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में भी क्या करना है आपको, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, राइट। आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले थर्ड क्वेश्चन में कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, 5 5 5 कॉमन ले सकते हैं, ये 5 5 25 होगा, ये 5 4 20 होगा, 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 5 और 5 into 4, तीनों में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लो। 5 को कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ से पी स्क्वेयर बच गया, माइनस एक 5 बाहर गया तो एक 5 बच गया, प्लस 5 बाहर चला गया तो 4 बच गया आपके पास, राइट, डिवाइडेड बाय पी माइनस 1, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, राइट, ओके। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो देखो, ओके, हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए, तो सिंपल है, 4 into 1, 4 1 से क्या आता है 4, 4 को 1 के साथ प्लस करो तो 5 आता है, राइट। लेकिन साइन देखो, 4 के आगे तो प्लस होना चाहिए लेकिन 5 के आगे माइनस होना चाहिए, राइट, 5 के आगे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब देखो इसको ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे माइनस 4 के आगे माइनस लगा देती हूँ जैसे पहले हमने किया था, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 4 और 1 को हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि 5 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं दोनों साइड में माइनस लगा देती हूँ, अगर 4 के आगे भी माइनस, 1 के आगे भी माइनस लगा दूँगी, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, आपका प्लस करके 5 आया, साइन बड़े वाले के पास माइनस साइन है तो आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 के आगे भी माइनस होना चाहिए, 1 के आगे भी माइनस होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं, चेक करो, अगर मैं 4 के आगे माइनस लगाती हूँ और 1 के आगे माइनस लगाती हूँ, तो 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब प्लस 4 आ रहा, हमें प्लस 4 ही चाहिए था, राइट। तो क्या बनेगा, 5 तो ऑलरेडी कॉमन है, राइट, तो इसकी जगह पे फर्स्ट टर्म वैसे लिखना है, माइनस 5p की जगह पे क्या लेना है आपको, माइनस क्या लेना है, 4p, माइनस 1p छोटा वाला पहले लिखना, ठीक है, माइनस 1p माइनस 4p, राइट, प्लस 4, इस तरह से ले सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय p माइनस 1,
राइट। अब पेयर करो इन दोनों को, फाइव तो ऑलरेडी कॉमन है राइट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है आपके पास, तो बचेगा पी माइनस वन। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, फोर कॉमन आ रहा है राइट। अब देखो साइन, अब फिर से यहाँ पे साइन राइट राइट, जब माइनस का साइन है तो ध्यान रखना राइट। तो यहाँ से अगर मैंने बाहर माइनस निकाला तो पी के आगे माइनस था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पी बन जाएगा। फोर के आगे क्या है, आप फोर को बाहर निकालते हो दिया तो फोर वन ज़ा फोर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा। फोर के आगे प्लस साइन है तो अगर मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्या ये दोनों सेम आ रहा है, येस, डिवाइडेड बाई पी माइनस वन राइट। तो फाइव ऑलरेडी कॉमन है तो आपके पास आएगा पी माइनस फोर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी माइनस वन। तो सिंपली क्या करना है, फाइव पी माइनस फोर पी माइनस वन को डिवाइड करना है पी माइनस वन के साथ, पी माइनस वन कैंसिल, तो आपके पास बचा फाइव पी माइनस फोर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये बहुत ध्यान से करना है आपको राइट। ओके नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का सब सभी जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है राइट। आप देखो फोर वाई जेड, अब इसको क्या करना है, फोर वाई जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू टू लिखेंगे, वाई इंटू जेड लिखेंगे राइट। अब ब्रैकेट के अंदर जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड माइनस सिक्सटीन, जब इसको सॉल्व करना है तो देखो कोई दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके सिक्सटीन आना चाहिए, जिसको प्लस माइनस करके सिक्स आना चाहिए, तो क्या आएगा, एट टू ज़ा सिक्सटीन राइट। तो आपके पास आएगा एट इंटू टू इक्वल्स टू सिक्सटीन राइट। अब और एट में से टू को माइनस किया तो सिक्सटीन, सॉरी सिक्स, लेकिन आप साइन को देखो, सिक्स सिक्स के आगे तो पॉजिटिव साइन है, सिक्स के आगे तो पॉजिटिव साइन है, लेकिन सिक्सटीन के आगे क्या है, नेगेटिव साइन है राइट। तो अगर मैं टू के आगे माइनस लगा देती हूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन राइट। अब सिक्स के आगे पॉजिटिव साइन था तो हमने छोटे वाले के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया राइट। तो आपका आएगा जेड फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखना है, छोटा वाला पहले लिखना है, माइनस टू जेड प्लस एट जेड माइनस सिक्सटीन राइट। तो इसके बाद ये आएगा टू इंटू वाई इंटू जेड, पेयर करो जेड कॉमन, जेड एक बचेगा माइनस टू बचेगा राइट। अगर मैं एट को कॉमन निकालती हूँ प्लस एट को, तो जेड के आगे तो प्लस साइन है तो जेड ही रहेगा, सिक्सटीन इन टू एज ए सिक्सटीन। तो अब प्लस को कॉमन निकाला तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा राइट। एट निकाला तो टू बचेगा राइट, तो ये बन जाएगा टू इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे आएगा z प्लस एट, दूसरा आएगा z माइनस टू। अब इसको डिवाइड करना है टू वाई जेड प्लस एट के साथ, टू इंटू वाई इंटू जेड, जेड प्लस एट जेड माइनस टू डिवाइड बाय टू वाई जेड प्लस एट, जेड प्लस एट कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, टू टू कैंसिल, तो क्या क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे बचेगा टू जेड, यहाँ पे जेड माइनस टू बचेगा राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। आप फिफ्थ पार्ट में देखो, अब इसमें सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ दो टर्म है आपके पास, दो टर्म वाला आपके पास एक फॉर्मूला होता था, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा आप तीन क्वेश्चंस में राइट। आप देखो यहाँ पे क्या है, फाइव पी क्यू मीन्स फाइव इंटू पी इंटू क्यू राइट। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या बनेगा, पी ए प्लस बी, दूसरा बनेगा ए माइनस बी राइट। इसको डिवाइड करना है टू इंटू पी पी प्लस क्यू के साथ राइट। तो ये आ गया फाइव इंटू पी इंटू क्यू, ब्रैकेट में पी प्लस क्यू
पी माइनस क्यू, इसको डिवाइड करना है 2 × p, ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कैंसिल, पी और पी कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो वैसे ही लिखना है। ओके, ये सारे कैंसिल हो गए तो आपके पास बचेगा क्या क्या बचेगा, 5 ऊपर में बच रहा है 5 क्यू पी माइनस क्यू और नीचे में बच रहा है 2। आप इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 जो नंबर्स है उसको साथ में लिखो, 5/2 क्यू फिर पी माइनस क्यू, राइट। सो दिस वॉज योर 5th पार्ट का सोल्यूशन। 12xy मीन्स 12 मीन्स कैसे कैसे आएगा आपके पास, 2 × 2 × 3 राइट, × x × y। ओके, अब देखो 9x2, आप ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होने के लिए ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो स्क्वेयर होना चाहिए, लेकिन 9 के साथ स्क्वेयर नहीं है, सिर्फ x के साथ स्क्वेयर है, तो 9 के साथ भी हमें क्या लाना है, स्क्वेयर लाना है, राइट। तो 9 के साथ स्क्वेयर कैसे आएगा, अगर मैं 3 का स्क्वेयर निकालूँ तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा, और x के साथ ऑलरेडी स्क्वेयर है तो दोनों का स्क्वेयर बन गया माइनस। अब 16 का स्क्वेयर कैसे ला सकते हैं हम, 4 का स्क्वेयर बनेंगे तो 4 × 4 = 16 आएगा, और y के पास ऑलरेडी स्क्वेयर है तो ये आ गया, इस तरह से बन गया राइट। डिवाइडेड बाय 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 xy ब्रैकेट में 3x + 4y। अब इसको करो सॉल्व, क्या क्या है आपके पास, 2 × 2 × 3 × x × y राइट। अब ये हो गया a माइनस बी राइट, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वो क्या बनता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या है आपके पास, 3x, और बी क्या है आपके पास, 4y, ए प्लस बी, ए माइनस बी राइट। अब इसको पूरा डिवाइड करना है किसके साथ, 2 × 2 × x × y × (3x + 4y) 3x + 4y, 3x + 4y कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल राइट। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, नीचे सारे कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच गया यहाँ पे, 3 बचा और 3x − 4y बचा राइट। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, इसी तरह से लास्ट पार्ट करते हैं, ये भी वैसे ही है। अब देखो ध्यान से देखना, अब 39 को हम कैसे लिख सकते हैं, 39 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 13 × 3 = राइट, 3 × 13 लिख सकते हैं × y × y राइट। अब देखो ये, अब अगर मैं इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में लाना चाहती हूँ तो ये 50 भी किसी का स्क्वेयर होना चाहिए और 98 भी किसी का स्क्वेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 50 किसी का स्क्वेयर नहीं है और 98 किसी का स्क्वेयर नहीं है, तो हमें देखना है कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 50 में क्या हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 50 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 50 को हम 2 × 25 लिख सकते हैं राइट, वाई स्क्वेयर माइनस 98 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 4 = 8 राइट, 2 × 49, 98 को हम 2 × 49 लिख सकते हैं राइट। अब देखो इस तरह से देखा जाए तो 2 और 2 कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यस, तो ये आ गया आपके पास 13 × 3 × y × y राइट। अब इसमें मैंने क्या कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला मैंने, इन दोनों में क्या निकाला, 2 कॉमन निकाल दिया राइट, 2 कॉमन निकाल दिया, तो आपके पास बचेगा 25y² − 49 बचेगा राइट। आप देखो 25y² − 49, 25 किसी का स्क्वायर है, यस, 49 किसी का स्क्वायर है, यस राइट। तो इसको हम बना सकते हैं 13 × 3 × y × y × 2 राइट। अब 25 मीन्स इसको हम कैसे बनाएंगे, 5y² − 49 मीन्स 7² अब ये a² − b² बन गया है राइट। तो ये आ गया आपके पास 13 × 3 × y × y × 2 ब्रैकेट में a + b a − b राइट। अब डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे, 26 मीन्स 2 × 13 × y² × 5y + 7 था राइट। डिवाइडेड बाय था आपके पास 2
इंटू 13 इंटू वाई इंटू वाई, ब्रैकेट में 5y प्लस 7, राइट। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में लाओ, 13 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई इंटू 2, 5y प्लस 7, 5y माइनस 7, डिवाइड बाय, राइट, 2 इंटू 13 इंटू वाई इंटू वाई इंटू 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, 2, 2 कैंसिल, 3, 3 कैंसिल, y, 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 y कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा यहाँ पे 13 बचा और 5y माइनस 7 बचा, राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 13, 5y माइनस 7, राइट। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से करना, अगर समझ में नहीं आया तो आप फ़ोन करके पूछ लेना, राइट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। इसी के साथ 14.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।